हमने इससे कनेक्ट किया है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा एंड हमें 2.4 Gbps का लोकल थ्रूपुट इसमें मिला है। डाउनलोड स्पीड ऑलमोस्ट 1.2 Gbps डाउनलोड स्पीड, 1220/30 Mbps। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मार्ट। आज हम लेकर आए हैं एक और लेटेस्ट वाईफाई 6 राउटर की अनबॉक्सिंग एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। ये है टीपीलिंक का आर्चर AX72 प्रो वाईफाई 6 राउटर। एक्चुअली इसका मॉडल नंबर है आर्चर AX5400, जिसमें आर्चर इसकी सीरीज है AX वाईफाई 6 को डिनोट करता है। 5400 Mbps इसका टोटल वायरलेस का थ्रूपुट है, जो कि 5.4 Gbps होता है। इस राउटर में लेटेस्ट वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी एंड 1 GHz डुअल कोर CPU का यूज़ किया गया है, जिससे ये राउटर वाईफाई नेटवर्क में अप टू 100+ डिवाइसेस को इजीली मेंटेन कर लेता है और हमें लैग फ्री गेमिंग, स्मूथ इंटरनेट ब्राउजिंग एंड हाई स्पीड स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप भी अपने वाईफाई राउटर को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। इस राउटर में भर भर के फीचर्स दिए हुए हैं और इस वीडियो में हम इस राउटर के सारे फीचर्स, स्पीड परफॉर्मेंस एंड वायरलेस परफॉर्मेंस का डीपली रिव्यू करेंगे। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तब तक के लिए आप कीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। बॉक्स में हमें मिलता है आर्चर AX72 प्रो पावर एडाप्टर, 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर का इसका आउटपुट है, RJ45 इथरनेट केबल, क्विक इंस्टॉलेशन गाइड और ये एक स्टिकर दिया हुआ है इसमें। वाईफाई का नेम एंड पासवर्ड लेकर आप इसको राउटर के पीछे चिपका सकते हो। चलिए इसके फिजिकल एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ रेक्टेंगुलर शेप में ये राउटर आता है। टॉप में यहाँ पर TP-Link की ब्रांडिंग दी हुई है। फ्रंट साइड में कुछ LED इंडिकेटर्स है, पावर LED, 2.4 5 GHz LED इंडिकेटर, इंटरनेट स्टेटस LED इंडिकेटर, LAN स्टेटस LED इंडिकेटर, USB एंड WPS LED इंडिकेटर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साइड में USB 3.0 का एक पोर्ट दिया हुआ है। इस पोर्ट में आप आपकी कोई भी हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके MacBook का टाइम मशीन बैकअप ले सकते हो, मीडिया सर्वर क्रिएट कर सकते हो या पर्सनल क्लाउड ड्राइव भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। बैक साइड में यहाँ पर कुछ बटन्स है और 4 LAN पोर्ट है एंड एक WAN पोर्ट दिया हुआ है। ये वाला जो WAN पोर्ट है इसमें 2.5 Gbps की स्पीड आती है एंड ये जो 4 LAN पोर्ट है इसमें 1 Gbps की स्पीड आती है। ये वाला LAN पोर्ट 1 LAN और WAN दोनों की तरह वर्क करता है और इस वाले पोर्ट में 2.5 Gbps तक का इंटरनेट कनेक्शन सपोर्ट कर सकता है। ये राउटर की फ्रंट की LED ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, ये WPS का बटन है, ये वाईफाई ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन है, रिसेट का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप राउटर की सेटिंग्स को मिस कर देते हो तो यहाँ से रिसेट करके राउटर को रिकन्फिगर कर सकते हो। पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर दिया हुआ है एंड पावर सॉकेट यहाँ पर है। बैक साइड में वॉल माउंट करने का ऑप्शन इस राउटर में मिलता है और ये राउटर की पूरी बॉडी नेटेड है, मीन्स वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। प्लस इस राउटर में टोटल 6 नॉन डिटैचेबल हाई गेन एंटीनाज आते हैं।
इन एंटीनास में 44R बीम परफॉर्मिंग एंड 1024 QAM का सपोर्ट मिलता है। बीम परफॉर्मिंग की वजह से ये राउटर आपकी डिवाइस के डायरेक्शन में वायरलेस वेव्स को डायरेक्ट करता है। 44R की वजह से इस राउटर में एक साथ 4 ट्रांसमिट एंड 4 रिसीविंग स्ट्रीमिंग वर्क करती है। 1024 QAM ये एक वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्नोलॉजी है जिसमें वाईफाई की वेव्स 90 डिग्री से टर्न हो जाती है, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस तक वाईफाई 6 वाले नेटवर्क का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। एंड ये एक डुअल बैंड वाईफाई 6 राउटर है जिसमें हमें 5 GHz एंड 2.4 GHz के नेटवर्क मिलते हैं। स्मार्ट कॉन्फ़िगरेशन करके हम 2.4 एंड 5 GHz को एक ही नाम से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमारी जो डिवाइस 5 GHz को सपोर्ट करती है वो 5 GHz वाले नेटवर्क पे कनेक्ट होगी, जो डिवाइस 2.4 वाले नेटवर्क को सपोर्ट करती है वो 2.4 GHz के नेटवर्क पर कनेक्ट होती है। प्लस इस राउटर में 5 GHz पर 4804 Mbps की स्पीड मिलती है एंड 2.4 GHz पर हमें 574 Mbps की स्पीड मिलती है। एंड ये राउटर वन मैश टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है। अगर आपके पास वन मैश सपोर्टेड राउटर है तो मल्टीपल प्लेसेस पर आप एक ही वाईफाई नेम रख कर नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, जिससे एक रूम से दूसरे रूम में रोमिंग करते समय वाईफाई नेटवर्क डिस्कनेक्ट नहीं होता है। प्लस इस राउटर में MU MIMO एंड OFDMA का भी सपोर्ट मिलता है, जो वाईफाई नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस के कंजेशन को अवॉइड करता है। इस राउटर में 5 GHz एंड 2.4 GHz दोनों पर गेस्ट नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। एंड इस राउटर में लेटेस्ट WPA3 वाईफाई सिक्योरिटी मिलती है एंड ये राउटर एक्सेस पॉइंट मोड को भी सपोर्ट करता है। इस राउटर में IPv6 एंड IPv4 दोनों सपोर्टेड है और ये राउटर VPN क्लाइंट एंड सर्वर दोनों कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है। इस राउटर में एडवांस पैरेंटल कंट्रोल का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप अपने किड्स के यूजेस के हिसाब से इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो, इंटरनेट कनेक्शन को शेड्यूल कर सकते हो। जिस टाइम पर आपको बच्चों को इंटरनेट कनेक्शन का एक्सेस नहीं देना है उस टाइम पर इंटरनेट कनेक्शन ब्लॉक कर सकते हो, अनवांटेड डिवाइसेस को आपके नेटवर्क में ब्लॉक कर सकते हो। काफ़ी सारे फीचर्स इस राउटर में हमें मिलते हैं। चलिए अभी इस राउटर को कॉन्फ़िगर करके इसका स्पीड परफॉर्मेंस एंड वायरलेस परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। राउटर का कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ इसे अनबॉक्स करना है, पावर अप करना है, उसके बाद इसके डिफ़ॉल्ट वाईफाई नेटवर्क से इसे कनेक्ट करना है, फिर टिपलिंक का टीथर ऐप ओपन करना है, उसमें यह राउटर ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। एडमिन पासवर्ड सेटअप करके आपको इसमें अपने इंटरनेट कनेक्शन की डिटेल्स फिलअप करनी है, उसके बाद वाईफाई नेम एंड पासवर्ड सेटअप करना है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद आपका राउटर ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है। सो फाइनली हमारा राउटर कॉन्फ़िगर हो चुका है, अब इसमें एक वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन है। अब हम इसमें स्पीड एंड वायरलेस परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे। हमने इसे कनेक्ट किया है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा एंड हमें 2.4 Gbps का लोकल थ्रूपुट इसमें मिला है। speedtest.net पर हम स्पीड टेस्ट परफॉर्म करेंगे राउटर के जस्ट बगल में। एंड डाउनलोड स्पीड हमें मिला है 1160 something। अप्रॉक्सीमेटली 1200 एंड अपलोड स्पीड 1.6 Gbps तक हमें इस पे मिल रहा है। एक बार स्पीड टेस्ट परफॉर्म करेंगे एंड इस बार हमें मिला है डाउनलोड स्पीड ऑलमोस्ट 1.2 Gbps डाउनलोड स्पीड 1220-30 Mbps का डाउनलोड स्पीड इस पे मिल रहा है। अपलोड स्पीड 1406-420। अगला टेस्ट हम कर रहे हैं तकरीबन 50 फिट की डिस्टेंस पर और वो भी एक अगले रूम में। एंड यहाँ पर हमें 1.9 Gbps का थ्रूपुट मिला है एंड डाउनलोड स्पीड 850 Mbps तक डाउनलोड स्पीड यहाँ पर मिल रही है एंड अपलोड स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 750 Mbps तक जा रही है। अगला टेस्ट हम कर रहे हैं राउटर से लगभग 100 फीट के डिस्टेंस पर और हमें डाउनलोड स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 650-680 Mbps तक मिली है।
ऑलमोस्ट 650 Mbps डाउनलोड यहाँ पर मिल रहा है एंड अपलोड बिटवीन 300 to 400 Mbps तक अपलोड यहाँ पर मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, यही था इस राउटर का अनबॉक्सिंग, स्पीड एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। इस राउटर में हमें 1.2 Gbps डाउनलोड एंड 1.3 Gbps अपलोड एवरेज स्पीड मिला है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें इस राउटर में मिला है। इस राउटर में 2.5 Gbps का वैन पोर्ट आता है एंड मीमो टेक्नोलॉजीज की वजह से मल्टीपल डिवाइसेस को ये राउटर इजीली हैंडल कर लेता है। अगर आपको ये राउटर बाय करना है तो इसकी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।